नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट निकले थे तो जो क्लास है दोस्तों 1000 जी हाँ, सो हाउ टू रीड शीर्षक से जो है अब 1000वां दिन हो चुका है। अंग्रेजी को बताते बताते कैसे अंग्रेजी पढ़ना है बहुत ही सरल तरीके से। दोस्तों इसमें एक और अपडेट मैंने लिया है कि वर्ड्स जो कि रोज डेली यूज वाले जो देश दुनिया वाले वर्ड्स उसको छोड़कर अब डेली यूज वाले वर्ड्स को यहाँ से मैंने लिया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और सबसे जरूरी है दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। देखिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि भाई आप लाइक कर दीजिए जिससे कि हमारे मेहनत को उचित सम्मान मिले और पता चले कि हाँ कितने लाइक्स लोग कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो चलिए अब देखिए सबसे जरूरी है दोस्तों वर्ड्स। वर्ड्स पे अपना जितना वर्ड्स जानेंगे ना उतना ही इंग्लिश को आप समझेंगे। जैसे हिंदी के शब्दों को तो आप बहुत जानते हैं लेकिन इंग्लिश के शब्दों को क्या आप बहुत जानते हैं? नहीं। तो ज़्यादा 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 वर्ड्स आपको ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश को समझने इंग्लिश को लिखने और बोलने में मदद करेगा। कैसे पढ़ना है वो तो यहाँ आप देख ही रहे हैं। जैसे देखिए बीच में जो है उच्चारण वाला दिया मैंने कि उच्चारण कैसे होगा, ये क्या लिखा गया है आप इसे पढ़ें। सिंपल सिंपल वर्ड मैंने लिया है ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। छोटे छोटे वर्ड्स पे आप सोच रहे हैं कि बस छोटे छोटे वर्ड्स वर्ड लंबे लंबे वर्ड्स टेक्स्ट में आ जाएंगे। स्टिंग क्या? स्टिंग स्टिंग मीन्स क्या होता है? डंक डंक। अब ये छोटे छोटे वर्ड्स और अर्थ देखिए हिंदी अर्थ भी अजीब से डंक लोगों को समझ में नहीं आएगा। बोल दीजिए किसी से पूछिए डंक का भाई डंक मारना है डंक का क्या होगा तो लोग कहेंगे मुझे नहीं पता। स्टिंग आप बताएंगे उस समय तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट देखिए हिलाना डुलाना। हिलाना डुलाना क्या होगा? हिलाना डुलाना का स्टर उच्चारण क्या करेंगे? स्टर। स्टर का मतलब क्या होगा? हिलाना धुलना। स्टर बोलते हैं स्टर स्टर स्टायर नहीं बोलेंगे स्टर याद रखिएगा स्टर। नेक्स्ट है स्टिंट। स्टिंट यहाँ न है ठीक है। स्टिंट स्टिंट का मतलब होता है सीमित करना। क्या? सीमित सीमित यानी एक लिमिटेशन हो जाता है। नेक्स्ट है वर्ड है स्टिंक। स्टिंक है ना एस टिंक। स्टिंक का मतलब बदबू दुर्गंध। स्टिंक का मतलब क्या होगा? बदबू। बहुत समझते हैं कि बड़े बड़े शहरों छोटे शहर में बहुत ही बदबू तो रहती है गार्बेज वगैरह की वजह से। तो स्टिंक मतलब बदबू दुर्गंध। नेक्स्ट स्टिफ। स्टिफ स्टिफ का क्या मतलब होगा? कड़ा कड़ा सख्त स्टिफ। नेक्स्ट देखिए स्टाइफल। स्टाइफल गला घोटना या दम घोटना। एक बात है गला घोट देना या समझते हैं गला घोटना कैसे ये होता है। गला घोटना किसी गला दबा देते हैं तो होता है उस तरह से जरूरी नहीं कि जान ही जाए। तो गला घोटना स्टाइफल स्टाइफल। नेक्स्ट है स्टिग्मा। एस स्टिग्मा देखिए एस टिक मा एस स्टिग्मा। अब यहाँ स्टिग्मा लोग पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा। एस स्टिग्मा ऐसे लिखा जाएगा एस स्टिग्मा। कलंक क्या होगा? कलंक। नेक्स्ट वर्ड है स्टिक अप। स्टिक अप का मतलब क्या होगा? डॉज दे दीजिएगा। लूट पाट नया वर्ड जी हाँ एकदम नया हट के जो भी वर्ड लेंगे नया नया लेंगे ताकि जो जानते हैं वो और जाने। जी हाँ स्टिक अप। नेक्स्ट क्या आएगा लूटपाट के बाद? तो दोस्तों ये सोल 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 आत्मा। क्या? आत्मा जानते हैं सोल। नेक्स्ट है तो सो शो। ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं ओ बोलते हैं और एस के साथ लगा तो सो हो गया। सो का मतलब होता है बोना कोई चीज़ होता है ना जैसे धान चावल जो है रबी का फसल बोता है कोई फसल जब खेत में बुआई होता है तो यह बुआई करना है। ये वर्ब है एक्शन वर्ड है जैसे यहाँ एक्शन वर्ड ये है ना आई स्टाइफल यू मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा ऐसा कुछ है इस तरह से। हिलाना डुलाना आई स्टार मैं हिलाता डुलाता हूँ तो या आई स्टिंट मैं सीमित करता हूँ इस तरह से वर्ड बनेंगे सेंटेंस बनेंगे। देखिए उसके बाद है नेक्स्ट जो है सो सो। सो सो यानी सामान्य सा। सो सो मीन सो सो बोलते ना सो सो सामान्य सा। देखिए शॉर्ट वो शॉर्ट नहीं शॉर्ट नहीं शॉर्ट
मीन्स शराबी। अब बताइए, पियक्कड़ लोग हैं, शराबी लोग हैं, क्या नाम देंगे? लिकर मैन नहीं ना, शराबी बोल देते हैं, पियक्कड़े बोलते हैं। लेकिन अब समझना होगा कि भाई को वर्ड तो देंगे, तो याद रखिए शॉर्ट, क्या वर्ड होगा? शॉर्ट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन कौन सा वर्ड है आपको जो रोज यूज में आएगा, शॉर्ट, शॉर्ट मीन शराबी पियक्कड़। आप यूज कर सकते हैं स्टिकअप, लूटपाट, ठीक है। उसके बाद है मतलब जो बराबर यूज, स्टिंक, बदबू, दुर्गंध, स्टार, और इसके बाद स्टिंग, डंक, ये कम से कम जो है स्टिग्मा भी ले सकते हैं। ये रोज, सोल भी, सोल भी, हालांकि सोसो भी हो जाता है रोज यूज में। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मीन्स बुआई करना। तो कुछ वर्ड्स सेंटेंस इजिली बनते हैं इससे, जैसे देखिए आई स्टायर, आई स्टर, सॉरी आई स्टर, आई स्टिंट, आई स्टिंट इजी बनता है, आई स्टाइफल। ये मैंने ऐसे ही मैंने बताया है कि भाई आप कोई भी बना के लिख सकते हैं, आई स्टाइफल। सर आप ही इज अ शॉट, वह एक शराबी है, ऐसे बोलो नहीं, ही इज अ शॉट, ही इज अ शॉट पर्सन, वह शराबी व्यक्ति है, पियक्कड़ व्यक्ति है। दूसरे चलते हैं, रीपास्ट, रीपास्ट, पास्ट नहीं, पास्ट का मतलब तो भूत होता है, यानी कि बीता हुआ समय, री मैंने फिर से बीता हुआ समय, क्या नहीं, रीपास्ट का मतलब होगा तो भोजन, भोजन, और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके, लेकिन एक वर्ड को मैंने यहाँ लिया है ताकि आप अच्छे से इसको पचा पाए। आगे भी आपको हो सकता है रिपास्ट पे कोई दूसरा अर्थ भी मिल जाए। नेक्स्ट देखिए, फ्लैन, फ्लान, क्या मिला वर्ड? उमंग, फ्लान का मतलब उमंग। नेक्स्ट देखिए, ईव, पतन होना, ईव मीन्स पतन होना, गिरावट होना। नेक्स्ट है सीवर, सीवर कड़ा, सख्त, निर्दयी, सीवर। नेक्स्ट देखिए अटली, अटली, अटली का मतलब पूर्णता, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपेण। अलग अलग वर्ड्स है, मतलब एक ही वर्ड है, अलग अलग तरह से उसको उच्चारण कर सकते हैं, अटली। इसके बाद इसको एडवेंट, 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 अवतार है ना, अवतार। नेक्स्ट है रीवेरी, रीवेरी, रीवेरी का मतलब ख्याली पुलाव, रीवेरी मीन्स ख्याली पुलाव। नेक्स्ट है जाइलम, ए जाइलम, लुक, जाइलम मीन्स वो पागलखाना, हाँ कुछ सेंस में लिखा ही रहता है फिल्मों में, फिल्मों से ये वर्ड प्रचलित हो गया है जाइलम, लेकिन ये जाइलम का मतलब तो आश्रम भी होगा, अब शरण स्थल, शरण स्थल में ही जाइलम वगैरह लोग यूज कर लेते हैं, जाइलम, जाइलम, लेकिन आश्रम या शरण स्थल। एक वर्ड ही, टेरिबल, भयानक, भयंकर, आई बिलीव इवल बोलते हैं, टेरिबल, टेरिबल मीन्स भयानक, भयंकर। नेक्स्ट देखिए डेस्पेरेट, ये वर्ड बहुत ही आजकल जो है पॉपुलर हो चुका है, डेस्पेरेट, ज़्यादा डेस्परेट मत हो, यानी कहने का मतलब बहुत इच्छुक मत हो, और भी इसके अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कि पॉपुलर हो रहे वर्ड है और ट्रेंडिंग में कही एक तरह से आजकल चल रहा है डेस्पेरेट, तो डेस्पेरेट जो बॉलीवुड मूवी में या सीरीज में जो ला दिया जाता है ना, बस वही चलने लगता है, डेस्पेरेट, बहुत इच्छुक, मतलब हिंदी के शब्दों के बीच में ये घुसा कर बोल दिया जाता है। जेस्टर, जेस्टर मीन्स मजाकिया, मजाकिया, जो मजाक करता है उसको मजाकिया कहते हैं। और ये रहा अवेरियस, अवेरिस, क्या हुआ? अवेरिस, अवेरिस मीन्स लालच, लालच बुरी भलाई। तो खैर वो अलग है, कहावत हो जाता है, एडम्स फ्रेजेस में आ जाएगा ये, लेकिन अवेरिस मीन्स लालच। तो दोस्तों ये था वर्ड्स, आपने देखे यहाँ पर, और रोज़ इसी तरह से मैं आपके लिए, अगर आप पसंद कर रहे हैं कि आपका जो वर्ड पावर है वो बढ़ जाए, वैक्यूबलरी जो है रूट वर्ड जान जाए, तो इसी तरह के रोज़ कुछ ना कुछ वर्ड्स को लेकर आएंगे अलग अलग तरह के, ठीक है, ताकि आप लोग सीख पाए।
और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेट्स वगैरह या जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उनके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और भी इम्पोर्टेंट, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्कूल वाले अगर स्कूल वाले बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो और इम्पोर्टेंट है, उनका यूज़ करना सीखिए, ऐसे ही नहीं बस देख लिए, इसको यूज़ कीजिए अपने बोलने में। हिंदी ही बोलते हैं, मान ली सेंटेंस नहीं बोलने हमको, हिंदी के शब्द तो बोलते हैं ना, हिंदी के जब वाक्य बोले उसमें एक वर्ड को घुसा लीजिए, दिमाग में रखिए, जब रखेंगे तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो चलिए बोल बोल के जरूरी, और जोर जोर से बोलना होता है वर्ड्स को जब पढ़िए तो री अलाउड, सो री अलाउड तो क्या होता है कि या कद रिकॉल कस के बोलिए, बार बार बोले ताकि दिमाग में एक जगह कहीं ना कहीं फिट हो जाए, जगह पे जब उसका उच्चारण करना तो वो अपने आप एडजस्ट कर ले। अब चलिए जो वर्ड्स होते हैं कैसे पढ़े जाते हैं इस पर भी तो फोकस कर लें थोड़ा सा। मैंने क्या किया है कि वर्ड्स कम लेकर बड़े बड़े दिखाने का प्रयास किया ताकि और भी क्लियरली थोड़ा सा मैं बता सकूँ, और थोड़ा सा धीरे धीरे ताकि लोग समझ पाए, तेज़ी से मेरा तेज़ी से बता पा रहा लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है, और जब आप समझेंगे ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या होगा, लाखों वीडियो से कोई फायदा नहीं, एक ही वीडियो देखिए उसे समझ लीजिए कि क्या तरीका है किसी वर्ड्स को पढ़ने का, हर एक वर्ड को अलग अलग तरह से क्यों पढ़ा जाता है, क्या उसमें पैटर्न लिया जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, क्या सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है, क्या डिराइव्ड है ना, इन सबको समझना होगा। जैसे देखिए ए एन को बोलते हैं एंड, एंड अगर एम लगा एन एन एम के साथ लगा तो मैन नहीं हो गया क्या, मैन नहीं समझ में आ रहा है। देखिए जैसे ए एन को बोलते हैं एन, ठीक है, ये ए के लिए ए का उच्चारण ऐसे होगा है ना, अगर इसके पहले एम को बोलते हैं, अब देखिए समझ लीजिए एम को बोलते हैं, ये लिखा हुआ है एम लेकिन बोलते हैं क्या म, वर्ड में अगर सिंगल रहेगा तो एम ही बोलेंगे, सिंगल रहेगा तो एम बोलेंगे लेकिन वर्ड मीनिंग में ये एम जो है म आ जाता है, तो अगर एम ए एम को म बोलेंगे, एम ए एन कर देते हैं तो म, और अगर ये आए यहाँ पर एक इसके जगह ये ले लेते हैं और ये सटा इसमें इंक्लूड करते हैं तो ये हो जाता है मैं और ये होता है ना मैन, मैन नहीं हो क्या। अब बचा देखिए दोस्तों यू, तो एच यू, एच यू क्या बोलते हैं, तो ये अलग अलग है, यू को उच्चारण दोस्तों अ आ उ है ना, और ई यू के रूप में होता है यू। अब कौन सा पढ़ना है यहाँ पर, अ पढ़ दें, आ पढ़ दें, ऊ पढ़ दें, यू पढ़ दें, ये जो है आप ज़्यादा वर्ड्स जब सुनेंगे तभी समझ में आएगा कि कहाँ क्या लगने वाला है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हो सकता है आपको नहीं पता, मुझे पता है आपको भी पता, हो सकता है छोटा वर्ड है लेकिन जो वर्ड नहीं जानते हैं वहाँ पर क्या लगाएंगे, लोग कुछ भी लगा लेते हैं, जनरली जो लिखा रहता है यू तो यू को यू ऊ बोल के ही निकल जाते हैं, आ तो ध्यान ही नहीं रखते, जैसे एस यू एन सन होता है तो ऊ नहीं लगाते क्योंकि पता है, लेकिन अगर एच यू के साथ अगर अ लगा दे तो गलत लगा ना, हमन हमैन, हमैन थोड़ी होगा, हमन भी नहीं होगा, हुमैन भी नहीं होगा, ह्यूमैन होगा, ह्यूमैन यानी कि ई यू का इस्तेमाल हुआ तो ह में ई यू लगा तो ह्यू हो गया। इस तरह से आप ऐसे पढ़ते आधा यू यू ह्यूमैन ह्यूमैन, ये है हमारा ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं जो कि व्हाइट बोर्ड के रूप में है, और इससे ही आप समझेंगे ज़्यादा अच्छा से प्रयास करिए। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों, ह्यूमैन ह्यूमैन डेवलप डे वे लप लप डेवलप डेवलप, यहाँ डे ई को यहाँ पर ए, यहाँ ई को आ, यहाँ ओ को आ, डेव डेवलप और मिंट यहाँ पर ई को ए ए एंग लगा तो मिंट मिंट डेवलपमेंट That adequate that includes includes the development of health 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 ऐसे करके health 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 and education education e है तो e नहीं पढ़ेंगे a पढ़ेंगे a a do के अभी देखिए सन लिखा हो एडुकेशन एंड ईयर को बोलते टी एस के लगा दर तो अदर अदर ओ को बोलते अदर अदर इंडी
केटर्स, ए के बाद कैटर नहीं, ए को यहाँ ए बोल रहे हैं, ए न कि ऐ। ए का मात्रा चिन्ह इस तरह से होता है, ऐ का मात्रा चिन्ह डबल होता है, तो यहाँ पर ए बोल रहे हैं। इंडिकेटर्स, ओ को आ पढ़ रहे हैं, अ। इंडिकेटर्स दैट अलोंग, दोस्तों ओ एन जी जो है हमारे पार्ट्स है, सफिक्स जो कि वर्ड के अंत में आता है, तो अलोंग ए लॉन्ग ऑन ऑन जो है एक हाथ लगा तो लॉन्ग हो गया ना, अलोंग विद इनकम, इन इनकम ब्रॉडली, ब्रॉडली ब्रॉडली डिफाइन द इक्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल पीपल इन द FIRST first chapter chapter we will study how people actually act AC को एक बोलते हैं, टी को च बोलते हैं, टी यू को क्या बोल रहे हैं, चुआ चुआ चुआ, क्योंकि यू को अब इसको समझा दूं मैं तो सब समझ में आएगा अच्छे से। तो दोस्तों आप देखिए AC को बोलते हैं एक, ठीक है एक एक एक, और टी यू को च बोलते हैं, तो टी को च बोलते हैं, लोग नहीं जानते हैं च, चूंकि यू को अब यहाँ फिर से आप फंस गए, आ पढ़ें ऊ पढ़ें या ई यू पढ़ें, मैं कह देता हूँ एक ही बार में कि भैया ई यू पढ़ लीजिए, तो च में अब देखिए च में ई यू मिल जाएगा, ई यू है ना, तो च्यू तो आधा च इस तरह से आयु क्यू एक्चुअ देखिए एक्चुअ एल को अल बोलते हैं तो अली एक्चुअली ऐसे आप याद रखिए कि टी यू एल को टी यू ए एल को चुअल पढ़ते रहे चुअल चुअल, अगर इसको ध्यान में रखते हैं ये चूंकि पार्ट वर्ड है एक्चुअल, चुअल कैसे लिखेंगे टी यू ए एल को चुअल बोलेंगे तो चुअल हो जाएगा। एल वाई को तो ली पढ़ते हैं, एल वाई को क्या पढ़ते हैं, एल वाई को ली पढ़ते हैं, ली दो पार्ट हो गया ना, ली चुअल एक भी हो गया तो नहीं हो गया एक्चुअली 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 ऐसे वर्ड हो गया एक्चुअली। चलिए दोस्तों समझ गए एक्चुअली कैसे बना कैसे उच्चारण हुआ, देखिए पर ई आर को बोलते आर, पी लगा तो पर हो गया परसीव सीव सी ईव ईव आई ई वी को ईव बोलते हैं, टी लगता तो टी हो जाता लेकिन यहाँ पर तो ई है तो सीव परसीव डेवलपमेंट एंड हाउ, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं तो ओ डब्ल्यू को आओ भी बोलते हैं तो एच लगाता हाउ हो गया, आओ में ह जुड़ा तो हाउ है ना, आओ में ह जुड़ा तो मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं ह इसमें जोड़ दिए आओ, अब ये आ जो इसमें इसके साथ जुड़ गया तो नहीं हो गया हाओ, समझ गया ना हाओ कैसे हो, हाओ इट कैन मैन वी मेजर मे इसको क्या बोलते मेजर्ड मेजर्ड। नेक्स्ट देखिए अभी तो दो स्लाइड और है तो एक स्लाइड पर एक स्लाइड और देखेंगे थोड़े थोड़े से वर्ड्स है, देयर देयर क्या पढ़ेंगे, देयर नहीं पढ़ेंगे, देयर आर देयर आर भी नहीं पढ़ेंगे आर, अब आर आ रहा है र आ रहा है लेकिन बुरा उच्चारण नहीं करना होता है इंग्लिश में, वेरियस वेरियस ऐसे बोलते हैं वेरियस, लेकिन अब अंग्रेज तो हम लोग है नहीं, एक्सेंट तो हम लोग का उस तरह से है नहीं, अब उस तरह से बोलेंगे तो लगेगा वाकई में वो अंग्रेज बोल रहा है, तो वेरियस हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ना क्या होता है वेरियस, शुद्ध उच्चारण तो वेरियस ही होगा। अब भाई लोटा को हमारे लिए चलिए लोटा नहीं खटिया, सब वर्ड जानते हो ना खटिया, खटिया को अगर खाटिया बोल दें अंग्रेज तो बोलेंगे खाटिया, हम लोग को बोलने ही नहीं आता एक्सेंट में गड़बड़ है तो उनको लगेगा खाटिया तो मैं ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन क्या आप समझेंगे खाटिया ठीक बोल रहे हैं खाटिया, अजीब लगेगा। तो उसी तरह वेयस को अगर चूंकि र का उच्चार आर का उच्चार नहीं करना होता है, शुरू में है तो थोड़ा सा कर लीजिए, अगर शुरू में है तो थोड़ा सा करते हैं, बीच में है तो थोड़ा कम करते हैं, लास्ट में तो उड़ा ही देते हैं, तो बीच का है तो वेरियस वेरियस मेजर्स 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 अवेलेबल ए वी एल ई को एबल बोलते हैं पार्ट देखिए एबल तो अवेलेबल अवेलेबल फॉर
फॉर दिस पर्पस, पर्पस पर्पोज, पर्पस पर्पस है ना, पर्पोज विल वी विल लुक, वी विल लुक एट द एक्सटेंट, ई एन टी वेंट बोलते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अवेलेबल फॉर दिस, आप अच्छे से पढ़िए पर्पोज, वी विल लुक एट। दोस्तों यहाँ जो वर्ड्स है इसमें तो लोग अलग से पढ़ते हैं, पर्पस भी बोल देते हैं कुछ लोग, प्रपोज बोल देते हैं तो गलत होता है, प्रपोज अलग वर्ड होता है, तो वो प्रपोज से पर्पस के मतलब कन्फ्यूजन है, तो लोग याद है कि पर्पस यहाँ यू भी अ, दूसरा यहाँ ओ भी अ ही पढ़ा जा रहा है, पर्पस ठीक है। तो एक्सटेंड टू विच, विच सम ऑफ द, ऑफ दी नहीं द पढ़ेंगे, द द इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट आर आ गया, इम्पॉर्टेंट डेवलप मेन, मेन अब देखिए मेंट तो पढ़ रहे थे, अब इसमें आज जुड़ गया मेंट में, तो मेंटल डेवलपमेंटल इन डी केटर्स हेल्प इन अंडर एस्टैंड, एस्टैंड या अंडर एस्टैंडिंग, स्टैंडिंग डेवलपमेंट एंड हाउ द प्रो प्रोसेस, ई डब्ल्यू एस को एस बोलते हैं, सी लगा सी एस हो गया प्रोसेस, ये वाई पे बोलते हैं, एम लगा तो मे हो गया, मे अफेक्टेड, एफेक्ट अफेक्ट, डिफरेंट ई एन डी मेंट बोलते हैं, अलग रहे डिफरेंट पीपल, पीपल है ना, तो ये सोच नहीं समझ नहीं, पीपल है ना, डिफरेंटली डिफरेंटली। तो दोस्तों ये समझिए इस तरह से पढ़ा जाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट जो है दोस्तों ये इस तरह से पढ़िए, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फिर से चूंकि रिपीट हो रहा है तो आप पढ़ लेंगे, डेवलपमेंट डेवलपमेंट एज क्या पढ़ेंगे, एज ए प्रोसेस, प्रोसेस हैड, ए डी को एड बोलते हैं इसलिए हैड हो गया, प्रो ये भी पार्ट है, प्रो वैब, प्रो वैब आई ली अलग से पढ़ते ही है, प्रोबैबली एस स्टार्टेड, टेड को याद रखिएगा, स्टार्टेड स्टार्टेड स्टार में टेड लगे, स्टार्टेड क्वाइट अर्ली इन हिस्ट्री, हिस्ट्री टू बिगिन विद परहैप्स, परहैप्स नो कंट्री, कन और ये देखिए ट्री, कंट्री कुड, वही उल्ली को ऐसे तो वही उल्ली कुड बोलते हैं, वुड बोलते हैं ठीक है, वुड लेकिन ये वुड कब बोलेंगे, डब्लू रहेगा तो बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, एस एच लगा देंगे तो सूट हो जाएगा, सी लग गया तो कूट हो गया, वी डिस, डिस क्या रखिए, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है डिस, और देखिए टिंग टिन डिस टिन, वी 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 स्विस्ट स्विस्ट डिस्टिंग्विश्ड एज डेवलप्ड, डेवलप्ड इन द सेंस, ई एन को एन बोलते हैं, सेन हो गया सेंस, सेंस दैट वी अंडर अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। दोस्तों ये जो है इसी तरह से जो है आप हमारे रोज पढ़ेंगे तो रोज कम से कम इतने वर्ड्स आते हैं, देखिए आपने देखा कितना स्लाइड में इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना फिर जो है लिखना, पढ़ते पढ़ते जो है लिखने भी आ जाता, समझ भी आएगा वर्ड्स पढ़ेंगे तो, जितना अधिक वर्ड्स आप देखेंगे उतना ही अधिक से अधिक आपको समझने आने लगेगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, सबसे जरूरी लाइक करना ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना करें ये आप पर डिपेंड करता है कि आप वाकई में सीखना चाहते हैं, अगर सीखना चाहेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को हिट कीजिएगा, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।